ये कोरोना हमेशा इस गेम में ये जीत जाता है और मैं हार जाता हूँ। इन गेम्स को खेल खेल के मेरी आंखों में पेन होने लग गया है, मेरी आंखें भरी भरी फील होती है मुझे। अब मुझे नहीं खेलना ये गेम, मुझे बहुत गुस्सा आता है, बिल्कुल मन नहीं करता है ये खेलने का। क्या हुआ बेटा, तुमने ही तो जिद करके ये मंगवाया था, अब तुम ही कंप्लेन कर रहे हो। पता है ये वीडियो गेम कितना एक्सपेंसिव है मम्मा, पर मुझे अभी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मुझे क्या पता था कि इसे खेलने से मेरी आईज में इतना पेन होएगा। बेटा क्या तुम्हें पता है, गेम्स सिर्फ टाइम पास के लिए नहीं होते, गेम्स का भी मीनिंग होता है। अच्छा, पर मेरे पास बैडमिंटन और क्रिकेट खेलने के अलावा और कोई न्यू गेम्स का ऑप्शन ही नहीं है। गेम्स बेटा वो होते हैं जो हमारे अंदर नया जोश भर देते हैं, जो हमें फिजिकली मेंटली स्ट्रांग बनाते हैं। ये टीवी के आगे खेलने वाले भी कोई गेम्स होते हैं क्या? आपकी बातें सुनके तो ऐसा लग रहा है कि आपने बचपन में बहुत एंजॉय किया है। बिल्कुल, अब वो वक्त कहाँ, गोल्डन डेज थे वो, ओल्ड इज गोल्ड। आप तो बीमार पड़ते हो तो भी आप फिजिकली स्ट्रांग रहते हो, आप ऑफिस और घर एक साथ संभाल लेते हो। मुझे भी बताओ ना, मुझे भी बताओ कैसे करते हो आप, मुझे भी सिखाओ। तुम्हें देखना है? हाँ। तुम्हें खेलना है? हाँ। चलो मेरे साथ आओ बेटा, मैं तुम्हें एक सीक्रेट दिखाती हूँ जिससे तुम मेरे बचपन की दुनिया भी देख पाओगे और देखोगे अपनी माँ को कि मम्मी क्या क्या गेम्स खेलती थी। अच्छा मम्मी, इट साउंड इंटरेस्टिंग, जल्दी चलो। चलो चिड़िया, उड़। वो देखो मेरा बचपन, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ कैसे खुशी से चिड़िया उड़ गेम खेल रही हूँ। इस गेम में एक पार्टिसिपेंट वॉइस इंस्ट्रक्टर की तरह कुछ इंस्ट्रक्शंस देता है जिसको फॉलो करते हुए बाकी सभी पार्टिसिपेंट्स को हैंड मूवमेंट्स करनी होती हैं। इस गेम के बेनिफिट्स में हमारी हियरिंग मोटर रिफ्लेक्स पाथवेज ज़्यादा ट्यून्ड होते हैं जिससे कॉग्निटिव ब्रेन एक्टिविटीज इम्प्रूव होती हैं। ये देखो, ये है कंचा गोली, या हम इसे ग्लास बॉल गेम भी कह सकते हैं। ये एक स्ट्रैटेजी गेम को रिप्रेजेंट करता है जिसमें हम गोल तक पहुंचने के लिए प्लानिंग करते हैं जिससे हमारा ब्रेन और एक्टिव हो जाता है। इस गेम में हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली एक कंचे को जंप करवाते हुए अगली ओवल स्पेस पर रखना होता है। जंप करवाने वाले कंचे को केवल एक कंचे को क्रॉस करवाना होता है और जिस कंचे पर जंप करवाया जाता है वो बॉल गेम से बाहर निकाल दी जाती है। इस तरह प्लेयर्स का टारगेट मिनिमम कंचों को प्लेट पर बचाना होता है, और जानते हो जो सबसे ज्यादा कंचे बाहर निकालता है वही प्लेयर ही विनर होता है। बेटा ये गेम है शेल ज्वेलरी। इस गेम को स्पेशली टीनेज में हमें ट्रेडिशनली खेलने को दिया जाता है जहाँ स्पेशल ओवल स्पेस में रखे हुए फिक्स्ड नंबर के शेल्स के साथ खेलना होता है। ये टू प्लेयर का गेम है जिसमें प्लेयर को सेगमेंटेड वे में अपनी साइड एंड से एक ओवल स्पेस से ग्रुप शेल्स को पिक करते हुए नेक्स्ट ओवल स्पेस में सिंगल सिंगल रखना होता है। देखो बेटा, बिना ग्रुप के भी हम कितना एंजॉय कर रहे हैं जहां हमें किसी सपोर्टिंग टूल की भी जरूरत नहीं। That's called instant ready game. और इसमें हमें कोई expensive game भी खरीदने की जरूरत नहीं है। इसे नवग्रहम या थ्री मेंस मॉरिस गेम भी कहते हैं। इस गेम के लिए एक शीट में तीन एक जैसे कॉइन्स की जरूरत होती है जहां ग्लाइडिंग वे नियर बाय डॉट और हाउस तक कॉइन्स को पहुंचाना होता है। इस प्रोसेस में टारगेट यही होता है कि तीन एक जैसे कॉइन्स किसी वर्टिकल, ऑब्लिक या फिर हॉरिजॉन्टल लाइन में अरेंज हो जाएं, और ऐसे होने पर प्लेयर जीत जाता है। इस गेम से भी फोकसिंग एंड कंसंट्रेशन पावर इम्प्रूव होती है, साथ में स्ट्रैटेजी और गेम प्लानिंग कैसे करते हैं ये भी सीखने को मिलता है। आम चूरी गेम का नाम सुना है बेटा? ये भी क्लैपिंग गेम है जिसमें एक राइम के साथ क्लैप्स का सीक्वेंस फॉलो किया जाता है। ये भी एक फन गेम है जिसमें ग्रुप के सभी मेंबर्स को बहुत मजा आता है और ये भी चीयर अप करता है। इसी
इसी खुशी को और ज्यादा एक्सपीरियंस करने के लिए एक और गेम देखते हैं, जिसे कहते हैं टच द बॉडी पार्ट्स, जिसमें वॉइस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए मसल मूवमेंट्स करनी होती हैं। इसमें जिस भी बॉडी पार्ट का नेम लेते हैं उसको फटाफट से टच करना होता है। आपने हाइड एंड सीक तो खेला होगा, पर इस गेम को कहते हैं ब्लाइंड एंड सीक। इस गेम में एक प्लेयर को अपनी आईज को ब्लाइंड फोल्ड करके दूसरे प्लेयर्स को पकड़ना होता है। इस कोशिश में बाकी सब प्लेयर्स अपनी आवाज से उसको परेशान करते हैं। आखिर में पकड़े जाने वाले फ्रेंड को ब्लाइंड फोल्ड कर देते हैं। इस गेम में अपनी आईज से बिना देखे केवल आवाज सुनकर मोटर मूवमेंट्स करना होता है। बेसिकली ये गेम कॉन्सेंट्रेशन पावर को इम्प्रूव करने के साथ टारगेट को केवल आवाज से पहचानने की पावर को एनहांस करता है। मस्ती के साथ साथ फिटनेस का भी ध्यान रख लिया जाए तो यस बेटा, ऐसा ही एक गेम है जंपिंग पैटर्न गेम, इलास्टिक गेम, जिसमें हम घर में ही डिफरेंट हाइट के जंप की प्रैक्टिस और कंपटीशन किया करते थे। ये हाई जंपिंग गेम न केवल हाइट बढ़ाने में मदद करते हैं बल्कि बॉडी बैलेंसिंग मैकेनिज्म को इम्प्रूव करते हैं, जिसके साथ ब्रेन के सेरेबेलम पार्ट की ग्रोथ और डिस्टल एरिया मसल की फंक्शनिंग बेटर होती है। बैलेंसिंग एंड कोऑर्डिनेशन एक्टिविटी को एनहांस करने वाला स्टैपो इस गेम में सिंगल नंबर हाउस राउंड को असेंडिंग ऑर्डर में जंपिंग मेथड से कंप्लीट करना होता है विद वन लेग ओनली, मींस सिंगल नंबर विद सिंगल लेग। जहां दो नंबर हाउस प्लॉट किए हुए होते हैं वहां टू लेग्स ग्राउंड पर रखने होते हैं। लाइन टच होने पर प्लेयर गेम से आउट हो जाता है। तो देखा बेटा, बिना बाहर जाए भी और बिना एक्सपेंसिव गेम्स खरीदे हम कितना कुछ खेल सकते हैं, साथ ही साथ सीख भी सकते हैं, और इन गेम्स के कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं है।